हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल ग्लोबल बेटा आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि है वर्कशीट नंबर थर्टीन आइए देखते हैं आपको ये वर्कशीट कितनी समझ में आती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की यहाँ पर बात की गई है जिसमें कहा गया मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है सो द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम क्योंकि तो मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है तो शुरू में और आखिरी में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के अंदर वो बराबर होंगे स्टेप वाइज बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मैथड तो भाई जैसे कि आपने ये रिएक्शन लिख दी अब यहाँ आयरन के तो तीन हो गए और इधर आयरन का एक है तो ये बराबर तो नहीं हुआ आपको बदलना पड़ेगा तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड तो आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इधर काउंट के तो आयरन एक हाइड्रोजन दो ये इधर तीन दो चार निकले आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चार हाइड्रोजन के दो ट्राई टू इक्वलाइज द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कॉफिशेंट इन फ्रंट ऑफ इट जैसे आपने यहाँ तीन लिख दिया इसके आगे चार लिख दिया और देखा कि क्या अब बराबर हो गए हैं कि अब इधर भी तीन आयरन हो गए हैं चार ऑक्सीजन हो गए हैं बट आठ तो हाइड्रोजन हो गए हैं तो भाई तो गड़बड़ बात हो गई है ना तो कैसे किया आपने तीसरा स्टेप कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच इज़ मैक्सिमम नंबर वाई पुटिंग ए नंबर इन फ्रंट ऑफ इट तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसके सामने वो वैल्यू रख देनी है जैसे कि ऑक्सीजन का चार है तो सबसे पहले जहाँ ओ था इस तरफ उस वक्त चार आपने रख दिया राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स थ्री एफ ई फोर वाटर मॉलिक्यूल्स एफ ई थ्री ओ फोर और ये तो इधर भी देखो आपने फिर फोर ऐड कर दिया अभी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई कि आठ हाइड्रोजन है चार ऑक्सीजन है और तीन क्या है आयरन ये सॉलिड है ये गैस है ये सॉलिड है ये गैस है ये लिख दिया राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट जो भी आपको लिखनी हो अबव और बिलो दी आर ओ वहाँ पर आपको नेसेसरी कंडीशन लिख देनी है जो भी होंगी अब आपके पास पहला क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट माइंड वेन वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन तो भाई ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके बाद आपको कहा गया कि जितनी भी रिएक्शंस आपको दी गई हैं इन रिएक्शंस को ठीक से लिखें कि जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस दिस तो सबसे पहले हमें सेकंड का ए लिखना है तो जिंक इज अ सॉलिड इट रिएक्ट विद ए जी एन ओ थ्री विच इज़ ए सॉलिड एंड इट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस टू ए जी और जब ये इस कंपोनेंट को बनाएगा तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे हम इधर भी टू लगा कर तो ये बैलेंस हो जाता है ठीक है तो ये पहला हो गया दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन विद लेड नाइट्रेट तो पोटाशियम हाइड्राइड को अगर आप लेड नाइट्रेट से मैच करेंगे तो क्या आएगा भाई लेड नाइट्रेट होता है पी बी एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस टू के आई और ये हो जाएगा पी बी आई टू प्लस टू के एन ओ थ्री ऐसी अगर आपको तीसरी इक्वेशन सॉल्व करनी हो टू सी इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो भाई टू ए जी सी एल और ऊपर से यहाँ आ गया सनलाइट तो ये हो जाएगा टू ए जी प्लस सी एल टू ऐसे अगर मैं कहूँ टू डी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव लाइम वाटर तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सी एच ट तो इस तरीके से चार इक्वेशन तो सॉल्व कर ली हमने अब टू ई की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना तो भाई टू ए में क्या होगा देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एक्वा एक स्ट्रक्चर होगा वो एच के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एक एक्वा एक स्ट्रक्चर है और बनाएगा एन एक एक्वस एक प्लस वाटर लिक्विड 2F की बात करेंगे तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस बार कॉपर ऑक्साइड के साथ जाएगा तो सी यू ओ प्लस टू एच सी एल इज इक्वल टू सी यू सी एल टू प्लस वाटर और ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा ये एक एक्वस स्ट्रक्चर होगा सी यू सी एल टू एक्वस होगा और ये होगा लिक्विड नाउ द लास्ट रिएक्शन इज सोडियम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इन वॉटर रियाक्ट्स विद वॉटर के प्रेजेंस में टू गिव इन सॉल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ठीक सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टूअर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस